माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और इंग्लिश को काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा बुक से उनका मैं राइटर हूँ इंग्लिश ऐसे की बुक है मेरे नाम से टॉप थर्टी एस ए बाई जाहिद अशरफ और दूसरी बुक प्रेसी की है टेक्निक्स फॉर प्रेसी जिसमें आपका टोटल पे, पेपर बी जो है कंपोजिशन का पेपर वो हल होता है इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से जाहिद अशरफ जिसमें आपके बेसिक ग्रामर एस ए के कम्पलीट लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं इसके अलावा फ़िज़िकल और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं फिज़िकल लाहौर के अंदर ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में आज जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस था वो ये था कि जो सी एस है उसके लिए कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं या एसेज कौन से हमारे हैं हर साल जो वो मैं यूजली गेस्ट रहता हूँ जिसमें दो या तीन जो एसेज वो पेपर में आ जाते हैं तो भी जो इस साल में हमारे जो Uh, कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से हमारे टॉपिक कुछ चेंज हो गए हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है या जिसके ज्यादा चांसेस है वो है फूड इनसिक्योरिटी अभी आप राइट नो देख लेंगे हमारे जो फूड की प्राइसेस और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जो उसका आफ्टर शॉक्स है और मैनेज लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से तो मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो फूड क्राइसिस उसकी कॉजेज़ क्या है उसके अफेक्ट्स के हैं और उसके सोल्यूशन के पेपर में एक्सपेक्टेड है दूसरा जो पाकिस्तान में फ्लड्स आया तो कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान उसका जो इम्पैक्ट्स क्या है उसके रेमिडीज और दूसरा जो एंगल पूछ सकता है वो है एन डी एम ए नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसकी प्रीपेडनेस थी उसमें क्या लूप होल्स थे और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं थर्ड कोशन जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहले तो आता था, था, था जस्ट ग्लोबल वार्मिंग काजेज इफेक्ट सोल्यूशन अब जो एक्सपेक्टेड है वो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओन पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तान इसमें कंट्रीब्यूटेड तो नहीं है लेकिन अफेक्टेड के अंदर टॉप टेन की जो लिस्ट में वो पाकिस्तान है तो ग्लोबल वार्मिंग काजेज अफेक्ट सोलूशन भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो आप आ, दूसरा जो है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है वो नंबर फोर पे वो है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन प्राइस हाइक जिसको हम कहते हैं उसकी कॉजेस क्या है क्या रेमेडीज रेमिडीज क्योंकि पिछले कुछ आ, फोर फाइव सिक्स मंथ्स में वन ईयर्स में प्राइस ऑलमोस्ट डबल के या ट्रिपल हमारी हो चुकी हैं तो इन्फ्लेशन या प्राइस हाइक के नाम से वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट है आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज था वो ब्लेसिंग है या कर्स है तो वो बेसिकली हमने डिस्कस करना या पेपर में पूछ सकता है तो हमने इसको कर्स के तौर पर लेना ब्लैसिंग के तौर पर कभी भी नहीं लेते हैं क्योंकि एग्जामर वो जो आपकी मेन्टेलिटी या आपका वो चेक कर रहा होता है कि स्टूडेंट का जो व्यू वो कैसा है नेक्स्ट फिर जो है वो इम्पोर्टेंट जो है पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या फ्री एंड फेयर इलेक्शन या डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्यों फ़ेल हुई या डेमोक्रेसी पाकिस्तान में किस तरह इंश्योर हो सकती है या डेमोक्रेसी जो है होप्स एंड हर्डल्स के नाम से या फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी जो ये तीन चार पाँच एंगल है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है फिर नेक्स्ट है करप्शन और गुड गवर्नेंस यानी करप्शन या गुड गवर्नेंस के फेल होने के रीजंस क्या हैं इफ़ेक्ट्स क्या है उसके रेमिडीज़ और इसके अलावा नेक्स्ट जो बनता है वो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान एक अच्छा आप ऐसे तैयार करेंगे सोशो इकनॉमिक वो तकरीबन आपको हर एंगल में हर जगह पर आपको जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा कोई भी इशू उसमें Uh, अगर वो पूछा जा सकता है इसके अलावा वाटर क्राइसिस उसके काजेज उसके फैक्ट्स उसके रेमिडीज वाटर का को किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं डैम्स के बारे के अंदर वो पूछ सकते हैं हमसे और इसके अलावा जो इंडियन वाटर एग्रेशन है उसके बारे में पूछ सकते हैं नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन लास्ट ईयर भी आया था 22 के अंदर और 21 के अंदर तो अगेन जो है ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट है फिर कुछ इंटरनेशनल इशूज हमारे मर्ज हो रहे हैं जिसमें ग्लोबल फूड क्राइसिस और ग्लोबल फूड uh, वो जो है हमारा ग्लोबल जो है वो उसमें जो तो नेक्स्ट हमारा एनर्जी क्राइसिस तो एक फूड क्राइसिस के नाम से और एक ग्लोबल जो है वो एनर्जी क्राइसिस ये दो अलग अलग हैं इनके इश्यूज़ क्या हैं इनके इफेक्ट्स क्या हैं और इनके रेमेडीज क्या है फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो एजुकेशन का है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वो हर दो साल बाद एक साल बाद दो साल बाद पूछता रहता है जिसमें एजुकेशन का एक अच्छा सा तैयार करें करे क्रिटिकल एनालिसिस ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या एजुकेशन क्यों हमारे मुल्क में फ़ेल हो गया है या सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में या हायर एजुकेशन के बारे में दो के अंदर भी आपने देखा होगा तो वहाँ पर आया था परपोजिव मीनिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान या 2012 में भी आया था मीनिंग एंड ऑफ एजुकेशन तो इस तरह एजुकेशन का जो एक अच्छा ऐसे वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट है फिर आपको सोशल मीडिया सोशल मीडिया के एथिक्स क्या है डबल एचसोड है सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है सोशल मीडिया का डिजिटल डेमोक्रेसी में क्या रोल है और इस तरह करके डिफरेंट एंगल्स वो आ, पूछ सकते हैं नेक्स्ट है यू एन ओ और ओ आई सी के यू एन ओ और ओ आई सी क्यों फेल हो चुके हैं यू एन ओ का अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाई यू एन ओ हैज़ फेल टू स्टैब्लिश ग्लोबल पीस ये मुस्लिम कंट्री का फिफ्टी सिक्स कंट्रीज़ का एक इतिहात है लेकिन वो क्यों फेल हो चुका है मुस्लिम्स के जो इंटरनेशनल इशूज़ हल करने के अंदर फिर इसके अलावा कुछ नए मर्ज टॉपिक हो रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो पूछ सकता है एच का पूछ सकता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का पूछ सकता है ब्यूरोसी के क्या इश्यूज जो ब्यूरोसी जो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही उसको रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं फिर हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स जो है ये कुछ जो लास्ट के अंदर बताएं ये नए टॉपिक जो हमारे मर्ज हो रहे हैं जो पिछले दो तीन सालों से उसने दोबारा पूछने शुरू कर दिए हैं तो ये बेसिकली एक टॉपिक की लिस्ट थी जिसमें वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अलावा जो है वो आउटलाइन के ऊपर फोकस करें जो उसने आउटलाइन पूछी है वो बस बताएं अगर उसने है, तो फिफ्टी परसेंट प्रॉस फिफ्टी परसेंट कौन से करना है फिर बॉडी पैराग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्टर आपके थीसिस स्टेटमेंट आपकी एक रिपोर्ट और एक्सप्लेनेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए फिर जितने भी बॉडी पैराग्राफ में सब में टॉपिक सेंटेंस होता है स्पोर्टिंग होता, होता, होता है एनालिसिस होता है और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है थ्रू आउट और एंड के ऊपर कंक्लूजन है री स्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट तीन से चार सेंटेंस जो बेस्ट पॉइंट अप करें और एंड के ऊपर वन होप्स एंड वन विशेज इसके अलावा बाकी वीडियोज़ देखनी है तुम्हारी चैनल है जाहिद अशरफ तो वहाँ पर आप बाकी जो देख सकते हैं ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़